पंडित जी, अभी तक आपने हमें पैर और हमारी उससे जो किस्मत कनेक्शन है उसके बारे में कई बातें बताई। अब पैरों से जुड़ी उन कुछ खास उपायों के बारे में बताइए जिससे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देखिए, सच बात तो ये है कि हर उपाय जो है वो आपकी मनोकामना को पूरा कर सकता है, वो चाहे छोटा उपाय हो या बड़ा। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तरक्की में बाधा आ रही है, तो हर दिन आप हरी घास पर सूर्योदय के समय 2-5 मिनट चलने का अभ्यास करिए। शनि के सुप्रभाव को पाने के लिए नंगे पैर मंदिर जाइए। जिस व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव में शुक्र हो उसकी पत्नी को नंगे पैर जमीन पर नहीं रखने चाहिए। जिन लोगों का शुक्र कमजोर होगा वो चलते समय अपने पैर खोलकर और बाहर की ओर करके चलेंगे। जिन लोगों को जोड़ों की समस्या है वो अपने पैर के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहन लें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हर रोज सुबह अपनी माँ के पैर छुएं। सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रोज अपने पिता के पैर छुएं। अपने पूरे दिन को शुभ और सफल बनाना चाहते हैं तो सुबह उठते ही आपका जो श्वास चल रहा है वही पैर जमीन पर पहले रखें। झाड़ू पर कभी भी पैर ना रखें, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जूठे मुँह हाथों से या पैर से कभी गौ, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।